कैदी नंबर 4470 की सेहत कैसी, इलाज की क्या सहूलियात दी जा रही हैं? वफाकी वज़ीरे इत्तला फवाद चौधरी ने मुतल्लिका हुकाम को बुला लिया है। आला सतह इजलास में सूबाई वज़ीरे सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ और सीनियर डॉक्टर्स भी शरीक होंगे। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत और इलाज की सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। कैदी नंबर 4470 की सेहत कैसी है, इलाज की क्या सहूलियात दी जा रही हैं? वफाकी वज़ीरे इत्तला फवाद चौधरी ने मुतलिका हुकाम को बुला लिया है। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत और इलाज की सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। आला सतह इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ और सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा इजलास बुला लिया गया है, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? दी गई थी कि राशि की सेहत को कुछ हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी और पंजाब हुकूमत जिम्मेदार होगी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत और पंजाब ने इस बयान का सख्ती से नोटिस लिया है और फौरी तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने आज आला सतह इजलास PIG में 12 बजे जो है वो तलब किया था और जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, उसमें बुनियादी तौर पर सेक्रेटरी सेहत और डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ मुख्तलिफ जो मुतल्लिका हुकाम है इनके इलाज के हवाले से, इनको प्रोटोकॉल के हवाले से, इनकी मुलाकातों के हवाले से उन तमाम को बुलाया गया और वहाँ पर एक अच्छी खासी तफसीली ब्रीफिंग होगी, जिसके बाद 1:30 बजे जो है वो फवाद चौधरी इस इजलास के फैसलों और इसमें जो जेर और आने वाली चीजें उनके हवाले से मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।